हे गाइस, व्हाट्सअप से यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इस तरह की फ्यूचरिस्टिक एडिटिंग। सो आज की इस वीडियो में हम PNG सिर्फ एक ही ऐड करेंगे, बाकी काम होगा आइडिया एंड पोज का। सो इसमें जो पिक्चर आपको क्लिक करवानी है वो आपने चलते हुए क्लिक करवानी है, जैसे कि पोज आपका कुछ इस तरह का है। एंड फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली वीडियो को देखते रहिए पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, बैकग्राउंड आपने यूज़ करना है कुछ इस तरह का सिंपल सा। सो सिंपली इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको ऐड कर लेने के बाद सिंपली आपने इसमें ऐड कर लेनी है अपनी पिक्चर। सो जो कि पिक्चर आपने क्लिक करवा लेनी है इस तरह से, बैकग्राउंड उसका रिमूव करके सिंपली आपने उस पिक्चर को यहाँ पर कर देना है ओपन इस तरह से। एंड साइज एडजस्ट करके यहाँ से आपने इसको कर देना है डन। देन गाइस, आपने नेक्स्ट स्टेप करना ये है कि यहाँ पे आपने ऐड करनी है एक PNG। सो इस PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस PNG की ब्लेंड आपने स्क्रीन कर देनी है एंड यहाँ से इसको रोटेट करके साइज इसका आपने कर देना है बड़ा। एंड यहाँ से इसको आपने कर देना है सेट अपनी पिक्चर के हिसाब से। इस तरह से इस तरह करने के बाद गाइस, सिंपली आपने इसका जितना एरिया आपकी बॉडी के ऊपर होगा उसको आपने कर देना है रिमूव। यहाँ से आपने अपने इसके लेग के ऊपर से इसको अच्छी तरह रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद ये हो जाएगा कुछ इस तरह। देन गाइस, आपने इसमें ऐड करनी है एक और लेयर, उस लेयर को रखना है अपने बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये वाली पिक्चर। सो इसको आपने कर लेना एंड ऐड करके इसका साइज आपने कर देना है बड़ा एंड इसको सेट कर देना है यहाँ पे इस तरह से। सो सेट करने के बाद इस लेयर को आपने नीचे रख देना है एंड अपनी ऊपर वाली लेयर की ओपेसिटी कर देनी है कम। एंड इस नियॉन PNG से पहले जितना भी बैकग्राउंड होगा उस सारे को आपने कर देना है रिमूव। सो इतना करने के बाद गाइस, आपने करना ये कि इसी के हार्डनेस को आपने माइनस कर देना है एंड ओपेसिटी को कर देना है 37। साइज आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है रिमूव। सो गाइस, इस तरह रिमूव करने के बाद इसकी ओपेसिटी आपने कर देनी यहाँ से फुल एंड आपकी पिक्चर बन जाएगी कुछ इस तरह से। देन गाइस, फर्स्ट PNG की आपने बना लेनी एक और कॉपी, जिससे कि थोड़ी ब्राइट हो जाएगी। एंड आप इसमें चाहें तो और कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं एंड PNGs भी ऐड कर सकते हैं। सो इतना कर लेने के बाद गाइस, सिंपली आपने यहाँ से ऊपर से इसको कर देना है डन एंड यहाँ से आपने पिक्चर को कर लेना है क्रॉप जहाँ तक आपकी PNG होगी वहाँ तक। इतना करने के बाद गाइस, सिंपली आपने इस पिक्चर को सेव करना है एंड ओपन कर लेना है अपने लाइटरूम ऐप में। सो गाइस, इतनी पिक्चर हमारी पिक्सआर्ट में बन चुकी है। इसमें बेसिक सी करेंगे कुछ सेटिंग्स, जिससे कि इस पिक्चर को बनाएंगे थोड़ा और ऑसम। सो इसमें फर्स्ट में जो लाइट होगी उसको आपने माइनर सा माइनस कर देना है एंड कंट्रास्ट को आपने बढ़ा देना है। हाईलाइट्स को थोड़ा सा आपने हाई करके शेडो को डाउन करना है एंड वाइट को अप करके ब्लैक को डाउन। देन गाइस, यहाँ से जाना है मिक्स टूल में, यहाँ से ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देना। देन गाइस, इस पिक्चर का टेम्परेचर आपने रखना है -2 या 3, वाइब्रेंस को आपने इंक्रीज कर देना है 40 30 40 एंड सेचुरेशन को बढ़ा देना। देन गाइस, यहाँ से आपने टेक्सचर इसका कर देना है 40+
एंड क्लैरिटी इसमें आपने ऐड कर देनी है 10 तक, एंड माइनर था इसमें आपने ऐड करना है विग्नेट। सो गाइस इतना करने के बाद आपकी पिक्चर बनेगी कुछ इस तरह से। तो बिफोर हमारी जो पिक्चर पिक्सआर्ट में बनी थी वो ये थी, एंड आफ्टर लाइटरूम में थोड़ी सी सेटिंग्स करने के बाद हमारी पिक्चर बन गई कुछ इस तरह से। सो इस तरह आप भी अपनी एक ऑसम सी पिक्चर बना सकते हैं, सिंपल से, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक पीएनजी ऐड करनी है एंड अच्छी सी पिक्चर क्लिक करवा लेनी है, थोड़ी सी करनी है सेटिंग्स, एंड आप अपनी इस तरह की एक ऑसम सी लुक वाली पिक्चर बना सकते हैं क्रिएटिव आइडिया के साथ। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहती हैं। सो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।